के 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी बसवा कल्याण और सोशल वर्कर्स ने बसवा कल्याण बीईओ से मुलाकात की और एजुकेशन, स्कूल मैनेजमेंट, आरटी, स्टूडेंट और टीचर्स सैलरी को लेकर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बसवा कल्याण बीईओ से रिटर्न में मांगा। इस मौके पर एसएस मुबीन शेख, आम आदमी पार्टी सिटी प्रेसिडेंट, शेख अकरम सेक्रेटरी, इकराम खादी वाले सोशल वर्कर, सैयद अकबर अली बीके न्यूज़ और एमडी फेरोज के अलावा दीगर लोग मौजूद रहे। बसवा कल्याण बीईओ को मुलाकात की, उनसे विजिट किया, जिसमें चंद इश्यूज पर बात की गई। उसमें से जो है पहला इश्यू ये था कि लॉकडाउन के पीरियड में जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने स्कूल मैनेजमेंट के लिए जो 70% पेरेंट्स को फीस देने का मुतालबा किया था, उसके ऊपर चर्चा हुई। गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि जो लोग नहीं दे सकते उनसे ना लिया जाए, और स्कूल जितने भी मैनेजमेंट हैं वो माफिया की तरह काम कर रहे हैं। इस इश्यू पर बात हुई, जिसमें बीओ साहब ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आश्वासन दिया और तमाम इश्यू जो उनसे हमने बात की उसको राइटिंग में देने का वादा किया। और उसमें टीचर्स की सैलरी का इश्यू था और आरटी के बच्चों को, बिलखुसूस मैं पेरेंट्स से अपील करता हूं कि इस बात पर मेरी ध्यान दिया जाए कि आरटी के बच्चे जो फर्स्ट से लेकर एट तक हैं उन तमाम लोगों को कोई फीस देना नहीं है और कोई बुक्स के पैसे देना नहीं है, ना ही एग्जाम फीस देना है, किसी किस्म का भी मैनेजमेंट को एक रुपया आरटी का बच्चा देना नहीं है। ये लीगली नोटिस आप तक पहुंचाई जा रही है आम आदमी पार्टी के तरफ से, इस पर ध्यान दे कृपया। और अगर आपको कोई स्कूल वाला आरटी के बच्चों को नोटबुक के लिए पैसे मांगता है, आपको किताबों के लिए अगर पैसे मांगता है, तो आम आदमी पार्टी से रुजू करे, आम आदमी पार्टी उनके साथ उस स्कूल के बारे में बात करेगी। दूसरा इशू, टीचर्स को जो सैलरी देना था लॉकडाउन में, ये हमने पिछले में भी उठाया था मुद्दा। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने 5,000 रुपये का देने का ऐलान भी किया था और कुछ स्कूल वालों को दिया भी। वो कौन से टीचर को मिले नहीं मिले वो डिटेल हमारे पास नहीं है। तीसरा मुद्दा, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसका पूरा डिटेल हमने मांगा है। वो डिटेल आने के बाद आम आदमी पार्टी अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हर स्कूल को विजिट करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, और वहाँ के हालात और बच्चों को आने वाले मसाइल पर बात करेगी और आम आदमी पार्टी से जो कुछ हो सकता है वो एजुकेशन के लिए करेगी। इन तमाम बातों को बीओ साहब ने हमारा रेस्पेक्ट करते हुए तमाम जो है डिटेल हमको देने का आश्वासन दिया है, और उन्होंने भी एक प्रेस मीट की है, वो प्रेस मीट भी आप तक पहुंचेंगी, आप उसे भी सुनिए। और पूरे पेरेंट्स अलर्ट हो जाइए, स्कूल में होने वाले तमाम मसाइल, या बच्चों को जुल्म ज्यादती हो रही है, फीस को लेकर ज्यादती हो रही है, तो ये तमाम चीज़ों पर बीओ साहब ने बात की है और प्रिंट मीडिया में भी जो है उनकी बात होने वाली है, प्रिंट मीडिया में भी वो डालने वाले हैं, आप वो पेपर भी देखिए और अपने बच्चों के मुस्तकबल के लिए आप अलर्ट रहिए। और किसी भी चीज़ की, एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी भी चीज़ से आपको मसाला आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को संपर्क करें, आपकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।